नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ के साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत पाकिस्तान का 1971 की जंग, और फिर हम देखेंगे शिमला समझौते की बात करेंगे, और इसी में हम देखेंगे कि बांग्लादेश के उदय की बात करेंगे, बात होगी मुजीबुर रहमान की भी। तो आइए देखते हैं आखिर क्या है कहानी। तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, बांग्लादेश का उदय, ये टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इससे पहले में क्या हुआ था कि ताशकंद समझौता हो चुका था, भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद में समझौता हुआ था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की दुखद मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन आगे चल करके उसमें कई समझौते ऐसे थे कि भारत और पाकिस्तान को साथ में आने की बातें कही जा रही थी, लेकिन आगे चल करके जब सिचुएशन ऐसी बनती कि 1971 के टाइम पे जंग फिर छिड़ जाती भारत पाकिस्तान के बीच में। लेकिन ये जंग, इसके पीछे का एक बैकग्राउंड भी है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये जंग होती क्यों है। तो सबसे पहले बता दूँ कि 1969 में होता है कि वहाँ पर अयूब खान की सरकार होती है। अयूब खान तो उनको क्या करते हैं, याहिया खान अपदस्त करते हैं, जनरल हैं सेना के, तो वहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है और याहिया खान की सरकार बन जाती है। लेकिन जनता में रोष काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इसको लेकर के फिर आगे चल करके चुनाव कराए जाते हैं। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में, चूँकि मैं बता दूँ कि पाकिस्तान पहले क्या था, ये इधर पश्चिमी पाकिस्तान जो ये हिसाब देख रहे हैं, और ये पूर्वी पाकिस्तान, पहले बांग्लादेश जो था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो 1969 में क्या हुआ कि याहिया खान की सरकार बनी। याहिया खान सरकार का एक तरीके से कह सकते हैं कि सत्ता अपने हाथों में ले लिया था अयूब खान को हटा करके। इसके बाद में जब उन्होंने सत्ता उनके हाथ में आई, तो उन्हें आगे चल करके जनता में रोष हुआ कि चुनाव वगैरह कराए जाएं। तो चुनाव हुए 1970 में, चुनाव में हुआ कि अब चूंकि चुनाव हुए तो इस साइड भी होंगे, इस साइड भी होंगे, दोनों जगह चुनाव हुए पूरी बंगाल में। अब बहुमत जब वहाँ पर, जब चुनाव में क्या हुआ कि शेख मुजीब को क्या मिला, बहुमत मिला, और उनकी पार्टी थी आवाम पार्टी 1970 के चुनाव में। अब चूंकि शुरुआत से ही हम जब देखेंगे तो पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में, चूंकि ये वाला हिस्सा जो था वो यहाँ के लोग हिंदी और उर्दू बोलते थे, और इस तरफ बंगला भाषी का प्रमुख था। हालांकि जो दोनों लोग थे तो मुस्लिम ही, लेकिन भाषा जो थी वो टकरा रही थी, और कहते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के साथ एक तरीके से, मतलब कि अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं कर रहा था। इस वजह से क्या होता है, जनता में रोष काफ़ी ज़्यादा भड़क उठता है इसको लेकर के भी। तो हम जब देखेंगे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में, तो पूर्वी पाकिस्तान के जो यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान, उनकी आवाम पार्टी को बहुमत मिला। जब वो सरकार बनाने के लिए जब ये पाकिस्तान जाते हैं, मतलब इस्लामाबाद, तो उनको क्या कर लिया जाता है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको हाथ में सत्ता नहीं दी जाती है, क्योंकि उनको लग रहा था कि पश्चिमी पाकिस्तान की बागडोर अगर पूर्वी पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगी तो एक तरीके से कह सकते हैं इनकी सत्ता जो है वो डगमगा सकती है। तो जब इनको, अब हालांकि इनको बनना चाहिए था प्रधानमंत्री, लेकिन उनको पहुंचा दिया गया जेल। अब जब शेख मुजीबुर रहमान को जब जेल में डाल दिया गया तो आंदोलन शुरू हुए। तो आंदोलन जब शुरू हुए, शेख मुजीबुर रहमान जेल में डाल दिए गए हैं और आंदोलन शुरू हो चुका है। और उसमें कहते हैं कि जब इनको जेल में डाला गया तो काफ़ी ज़्यादा आंदोलन काफ़ी बड़े स्तर पर फैल रहा था, और इंदिरा गांधी ने भी बोला था, हालाँकि बात चल रही थी कि पश्चिमी पाकिस्तान में यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर केस चलाने की बात की जा रही थी। हालांकि आप देख रहे हैं पाकिस्तान के इतिहास में, वहां पर तो आप देखें तो वहां पर पीएम को भी फांसी की सज़ा सुना दी जा रही है, लोग भागे भागे फिर रहे हैं। तो ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान के साथ में कैसी स्थिति रहेगी, इसको लेकर के इंदिरा गांधी ने भी बोला कि हम उनको बचाने की हम कोशिश करेंगे। ये बात उन्होंने बोला कि हम शेख मुजीबुर रहमान का पूरा सहयोग करेंगे, और पूर्वी पाकिस्तान में अर्थात बांग्ला भाषियों का जो एरिया है पूर्वी बंगाल में, उनको हम पूरी तरीके से उनको सहयोग करेंगे और उनको एक आज़ाद देश की बात करेंगे। ये इंदिरा गांधी ने घोषणा की। अब चूंकि यहाँ पर दमनकारी नीति चल रही थी पूरे पाकिस्तान में, और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो कहते हैं कि यहाँ से शरणार्थी करीब 1 करोड़ के आसपास शरणार्थी जो थे वो त्रिपुरा में, मेघालय में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आ करके बस रहे थे, और कहते हैं कि वहाँ पर लाखों लोगों की वहाँ पर जान चली गई। लोग वहाँ की सेना ने, पाक आर्मी ने वहाँ पर काफ़ी कत्लेआम किया, बच्चों को, महिलाओं को, आदमियों को, किसी को नहीं छोड़ा गया, एक तरफ से सबके कत्लेआम किए जा रहे थे। उसको लेकर के भारत की सीमाओं के अंदर जो थे, जो ये बांग्लादेश के लोग थे वो भारत की सीमाओं के अंदर आ रहे थे, और एक काफ़ी बड़ी शरणार्थियों की समस्या हो गई थी। 1 करोड़ के आसपास शरणार्थी हो गए थे, और उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, ये सब बातें हो रही थी। कहते हैं कि उसके ऊपर, भारत के ऊपर 300 करोड़ के आसपास का अतिरिक्त दबाव पड़ने की बात कही जा रही थी। लेकिन जब हम इसमें देखेंगे तो जब शरणार्थियों की जो समस्या आ रही थी, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इंदिरा गांधी ने उठाने की कोशिश की, मुद्दा उठाया, लेकिन कोई देश ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ दिन पहले रूस के साथ भारत के समझौता हुआ था 20 वर्षों के लिए, कि अगर जो कोई भारत पर अटैक करेगा तो वो रूस पर अटैक माना जाएगा। ये एक समझौता रूस सहयोग कर रहा था, बाकी अमेरिका के डिक्सन वगैरह वो सब जो थे वो पूरी तरीके से वो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। तो इसमें बांग्लादेश
की बात हुई तो इसमें अब इंतजार किया जाता था, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था, दिसंबर के सैम मोनिक्सा जो यहाँ के जो थल सेना अध्यक्ष हुआ करते थे, और जो यहाँ पर बात हुई कि अब इंतजार किया जा रहा था, हालांकि शुरुआत जो थी वो पाकिस्तान ने ही कर दी। पाकिस्तान ने अब हम जब देखेंगे तो उससे पहले यहाँ पर मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया था, मुक्ति वाहिनी जो थी वो गुरिल्ला पद्धति के जरिए जब हम देखेंगे तो पाकिस्तान से वो युद्ध कर रही थी, मतलब पूरी पाकिस्तान में जो सेना के लोग थे उनसे युद्ध कर रही थी, ये इसमें कह सकते हैं वॉलंटियर लोग थे और काफ़ी जो और थोड़े बहुत पुलिस वगैरह के लोग, इस बांग्ला भाषी वाले लोग इसमें लगे हुए थे, तो सही भारत का इनको भी इसको भारत का सहयोग भी प्राप्त था। तो भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ तो उसमें जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी सीमा पर हमला किया, भारत ने पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा अमृतसर वगैरह और इन सब एरिया में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर इन जगहों पर अटैक करना शुरू किया। तो अटैक जब इधर करना शुरू किया तब जब भारत पर अटैक कर दिया गया तो सीधी बात है कि अभी अभी किसी का अंदरूनी मामला तो रहा नहीं, क्योंकि भारत पर अटैक कर दिया गया पाकिस्तान को लेकर के, और पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारत की पूरी सेना जो है वो पूरी बंगाल के साइड में होगी, इधर तरफ तो कोई रहेगा नहीं, तो वो सोच रहे थे कि ये वाला एरिया जैसलमेर का और ये वाला हिस्सा अपने में मिला लेंगे, ऐसी बातें चल रही थी। और कश्मीर का मसला तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन इसमें भारत 3 दिसंबर 1971 की बात है, भारत के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया, और इसमें जब देखेंगे तो भारत ने इस एरिया को भी और इस एरिया को भी काफ़ी अच्छे से मजबूती के साथ भारतीय सेना लड़ती है, और इसमें कहते हैं कि भारतीय सेना के साथ थल सेना वायुसेना काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें लड़ती है, और इसमें कहते हैं कि इस वाले सेना एरिया से पाकिस्तान को खदेड़ दिया जाता है। अब इस तरफ कहते हैं कि उसी टाइम पे अमेरिका का सातवां बेड़ा भी कहते हैं कि वो इस तरफ आ रहा था, तो इसकी भी बातें इसमें कह रही थी, अमेरिका सीधे सीधे दबाव बनाना चाह रहा था भारत के ऊपर, और कहते हैं कि जो वहाँ के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो चीन से भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि चीन भारत को मतलब कि कुछ बातें कहे या तो, ताकि जो भारत की सेना है वो चीन की सीमा की तरफ चली जाए, लेकिन चीन ने ऐसा किया नहीं क्योंकि भारत को रूस का सहयोग प्राप्त था। अब आगे चल करके कहानी ये हुई कि यहीं पर अमेरिका का मतलब पाकिस्तान का एक PNS गाजी है, वो पनडुब्बी यहाँ पर आती है, फिर वो एक भी गोला दागे बिना भारतीय नौसेना उनके ऊपर अटैक करती है, और वहीं पर वो विशाखापत्तनम के पास में वो जो PNS गाजी है वो डूब जाता है। उसमें कहते हैं करीब 70-80 के आसपास जो सैनिक वगैरह थे सबके सब लोग उसमें डूब गए, एक भी गोला नहीं दाग पाए, वो डूब गई पूरी की पूरी PNS गाजी। अब हालांकि जब पूरी बंगाल पूरी पाकिस्तान का जो एरिया था इसमें कहते हैं जो गवर्नर हाउस था उसके ऊपर भारतीय सेना उस पर अटैक करती है, और जब उस पर अटैक किया गया तो सीधी बात है कि पाकिस्तान में खलबली मच गई, और जो यहाँ के जो पूर्वी पाकिस्तान के जो जो कह सकते हैं सेना प्रमुख थे जिनका नाम था जनरल नियाजी से भारतीय सेना के जो जवान थे वो उन्होंने बोला कि आप आत्मसमर्पण करिए नहीं तो फिर हम उस पर अटैक करेंगे। तो हालांकि आगे चल करके जो जनरल नियाजी हैं पाकिस्तान के कमांडर हैं वो आत्मसमर्पण करने की बात करते हैं, और जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष वो क्या करते हैं, जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष वो आत्मसमर्पण करते हैं। ये प्रश्न मैंने देखा कहीं पूछा गया है किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया, तो जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया, और उसी दौर में ये 17 तारीख की बात है 17 दिसंबर 1971, और इसी के पास में जब देखेंगे तो बांग्लादेश का उदय हो गया, भारत ने तुरंत मान्यता भी बांग्लादेश को दे दी। अब चूंकि मुजीबुर रहमान तो भी जेल में बंद है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो याहिया खान की सरकार गिर गई, याहिया खान की सरकार गिरने के बाद में जो आप देखेंगे तो किसकी सरकार बनती है, वो बनती है जुल्फिकार अली भुट्टो की, वो राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, और वो घोषणा करते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने घोषणा की कि क्या किया जाएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला कि शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान से ये बात बोली थी कि ये छोड़ तो दिया जाएगा लेकिन आप ये कहिएगा कि हम बांग्लादेश का जो ये हिस्सा है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। आगे चल करके शिमला सम्मेलन हुआ, शिमला सम्मेलन होता है 2 जुलाई 1972 को, जब शिमला सम्मेलन हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों लोग शामिल हुए थे। 2 जुलाई 1972 की डेट आप याद रखिएगा, और इसमें बातें की गई कि दोनों देश आपसी मतभेद समाप्त करेंगे। 17 दिसंबर 1971 को युद्ध विराम को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा माना जाएगा, ये बात कही गई कि उसको क्या किया जाएगा, नियंत्रण रेखा माना जाएगा 17 दिसंबर 1971 को युद्ध विराम को। मतलब बात की जा रही थी जम्मू कश्मीर में LOC की बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा उसको मान ली जाएगी और कोई भी देश, हालांकि ये जो पाकिस्तान के जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे ये ऐसा नहीं करना चाह रहे थे कि कोई समझौता जम्मू कश्मीर को लेकर के हो, लेकिन ये समझौता होता है और दोनों सेनाएँ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लौट जाएँ, जो एरिया में जो भी एक दूसरे के एरिया में घुस गए हैं तो वो क्या करें, वो एरिया छोड़ दें।
और इसमें और भी कई समझौते होते हैं, जो आत्मसमर्पण किए हुए सैनिक थे उनको सम्मानपूर्वक उनको जाने दिया जाता है। तो ये सब बातें इसमें होती हैं, इसी को हम शिमला सम्मेलन कहते हैं, जो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो मैंने चीज़ें बताई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सब चीज़ों को आप लोग अपने दिमाग में रखिए। शिमला सम्मेलन हो गया या फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, इन सब को आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, शिमला समझौता हूँ, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको लगभग बता दिया है। और बता दूँ कि जब यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान को जब पाकिस्तान ने छोड़ने की बात की थी, तो जब शेख मुजीबुर रहमान को इस्लामाबाद से जब इधर से छोड़ा जाता है, तो भारत से होते हुए जाते हैं, दिल्ली में उनका काफ़ी ज़्यादा स्वागत किया जाता है, और यहीं से वो ढाका की ओर जाते हैं। तो फिर आगे चल करके बांग्लादेश बन जाता है, और फिर कई सारे देश उसको अपना समर्थन देते हैं, और आगे चल करके फिर एक देश बन जाता है। तो ये रही कहानी भारत और पाकिस्तान युद्ध की, 1971 की जंग। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।